हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प होगा स्टडी चैनल में। हम आज 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की ये क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, चैप्टर 13 की मेंसुरेशन की। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि सर आप मेंसुरेशन हमें बहुत मुश्किल लगता है, इस पे कोई आप लेक्चर लेकर आइए। तो आज हम आपके लिए लेक्चर लेकर आए हैं मेंसुरेशन पर। तो चलिए आज डिस्कस हम करने वाले हैं मेंसुरेशन को, यानी कि पूरे 13 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो 13 चैप्टर है, इससे घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं और हम आज आपको इस तरीके से आपके बेसिस जो हैं वो क्लियर कर देंगे कि आपको इस चैप्टर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आज आज ही में ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ चलो आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि 10th क्लास के बच्चे जो हैं उनके लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है अलग से, 9th क्लास के बच्चों के लिए अलग से और 12th क्लास के बच्चों के लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि देखिए क्या होगा, कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप सीधे तरीके से हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए उससे पूछ सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है तो भी आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं, कोई भी चैप्टर की रिक्वेस्ट, सो दैट हम उस पर ही सबसे पहले वीडियो लेकर आए। तो काफ़ी अच्छा है, फ़ायदेमंद है, तो आप इसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ये कॉलिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए और सीधे तरीके से हमसे जुड़ जाइए। नंबर है 9891291604, ये हमारा नंबर है और इस पर आप जुड़ के हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज। सबसे पहले 13.1 की बात करेंगे। 13.1 में हमने बात की है एरिया की, तो 13.1 में हम एरिया की बात करेंगे। हम यहाँ पर आपको फॉर्मूले डिस्कस करने नहीं आए हैं, क्योंकि फॉर्मूले ऑलरेडी आपकी क्या है, बुक में लिखे हुए हैं। तो एरिया के हम आपको फॉर्मूले डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपको वो टेक्निक बताएंगे जिस टेक्निक के ज़रिए आप ईजिली उस टेक्निक को अपना कर आप इजीली क्या कर पाएंगे, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप देखिए सबसे आपको इजी लगने लगेगा ये जो चैप्टर है, आप यकीन मानिए ये सबसे इजी चैप्टर आपको लगने लगेगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। इस वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, सो दैट आपको ये पूरा समझ में आए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिगर्स की, कि कौन कौन सी फिगर्स हैं। तो 13.1 में जो फिगर्स आपको दी गई हैं वो इन बेसिकली फिगर्स का जिक्र किया गया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जो सिलेंडर का जो एरिया होता है, यानी कि सबसे पहले हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया जो सिलेंडर का होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πRH। तो 2πRH इसका एरिया होता है। अभी इसको फिगर बना के आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है और कैसे ये बनता है, तो पूरा हम आपको डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले बात यहाँ पे निकल के आएगी कि एरिया होता क्या है। जो आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में, हिंदी वाले बच्चों के लिए बोला जाए तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल की यहाँ पर बात हो रही है। क्षेत्रफल किसे बोलते हैं, तो क्षेत्रफल बोलते हैं उससे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बुक है, मान लीजिए कोई बुक है तो आपने इसको टेबल पर रख दिया, तो आप देखेंगे कि इस बुक ने उस टेबल पर कितनी सरफेस कवर किया। इसे ही बोलते हैं हम सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी वस्तु ने वो कितना सरफेस कवर करेगी, ठीक है ना, तो उसी को हम बोलते हैं एरिया, यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि वो कितना क्षेत्र कवर करेगी, कितनी जगह घेरेगी, इसी को हम एरिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि एरिया क्या होता है, अब हम देख लेते हैं कि एरिया इसमें करना क्या है हमें। देखिए 9th क्लास तक की जो आपकी बात थी, कहीं ना कहीं ये वीडियो 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो बच्चों ने 9th क्लास में मैथ्स किया है, 9th क्लास का 13 चैप्टर किया है, जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं उन्होंने चैप्टर नंबर 13 कर लिया है और वो चाहते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना, सो दैट उनकी अच्छी तरीके से पकड़ बन जाए 13 चैप्टर पर, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी वीडियो है, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, सो दैट वो थोड़ा बहुत 10th क्लास का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो उनको 9th क्लास का बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेंडर फिगर को, सिलेंडर क्या होता है। देखिए सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर फिगर की अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर फिगर कुछ इस टाइप का होता है। आपने कई सारी चीज़ें ऐसी देखी होगी जो कि सिलेंडर शेप की होती हैं, जैसे कि पाइप हो गए, सिलेंडर हो गया खुद जिसमें गैस भर के आती है,
या फिर कई सारी बकेट्स भी हो गई, वो भी इस शेप की होती हैं, ग्लास आपका इस शेप का होता है, तो कई सारी जो शेप्स होती हैं वो इस फिगर की होती हैं। अब इसमें खास बात क्या है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो बनावट है वो सर्कल टाइप की है, ऊपर से भी इसकी बनावट सर्कल टाइप की है। अब क्योंकि यहाँ पर सर्कल टाइप की बनावट है तो यहाँ पर रेडियस तो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, है ना, तो रेडियस आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि ऊपर का और नीचे का जो रेडियस होगा क्या वो अलग होगा या सेम होगा? जी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही रेडियस सेम होंगे, चाहे आप ऊपर का रेडियस लीजिए चाहे आप नीचे का रेडियस लीजिए, दोनों ही रेडियस सेम होंगे। किसी क्वेश्चन में दिया होता है कि डायमीटर दिया होता है, तो डायमीटर से आपको रेडियस निकालने में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए, डायमीटर को बस आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 7 सेंटीमीटर की आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अच्छा, कई क्वेश्चंस में दिया होता है कि पॉइंट में डायमीटर दिया होता है, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि पॉइंट में डायमीटर को वो दे देते हैं, तो पॉइंट वाले डायमीटर को कैसे सॉल्व करना है, कई सारे बच्चे इसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद मान लीजिए पॉइंट में दिया हुआ है 10.5 डायमीटर दिया हुआ है और आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा आर निकाल के ही दम लेते हैं, वो पूरा आर निकाल के मानेंगे, यानी कि पहले पॉइंट हटाएंगे, फिर नीचे 10 लगाएंगे, फिर इसकी काटा पीटी करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये जो वैल्यू है यानी कि 10.5 ये जो थी वैल्यू, आप इसको 10.5 अपॉन 2 इसको डायरेक्टली आप अपने फॉर्मूले में रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी मदद करेगा, यहाँ पे आपका टाइम बचाएगा, जो काटा पीटी आप यहाँ पर कर रहे हैं वो टाइम बचेगा आपका। और दूसरी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूले में जाकर ये जो नीचे वाला 2 है ये कहीं ना कहीं से तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपका हर फॉर्मूले में 22 तो होता ही है, ऊपर 22/7 तो होता ही है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, तो कहीं ना कहीं ये उससे भी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 और 2 1 2 2 1 2 तो 11 आ गया, तो इस तरीके से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात कर रहे थे हम यहाँ पे किसकी, सिलेंडर की, तो रेडियस की हमने बात कर ली, डायमीटर की बात कर ली, अब फटाफट बात कर लेते हैं इसके हाइट की। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हाइट है, ठीक है ना, ये कुछ लंबा होता है तो इसको बोलते हैं एच, यानी कि हाइट वो होती है ये, जो कि कितनी भी दी जा सकती है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दी है किसी क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर दी है, तो कितनी भी हाइट होती है, बस इसी कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, बाकी इन कुछ और किसी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को करने में। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πRh, यानी कि इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πRh, आर तो रेडियस हो गया अभी हमने आपको बताया, एच जो हो गया वो इसकी क्या हो गई दोस्तों, हाइट हो गई, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोन की बात करेंगे तो कोन का जिक्र करेंगे, कोन में भी क्या होता है, इस टाइप की फिगर होती है कोन, ऐसा आपने कई सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे जोकर की टोपी होती है, हैप्पी बर्थडे पे जो हम टोपियाँ वगैरह पहना करते थे बचपन में, तो वो भी कोन शेप की होती हैं, आइसक्रीम कोन शेप की होती है सॉफ्टी, तो इस टाइप की काफ़ी सारी फिगर्स होती हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, फिर आपको नीचे सर्कल दिखाई दे रहा है, तो सर्कल होगा तो यहाँ पर आपको रेडियस और डायमीटर मिल जाएंगे, फिर सेम वही करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग होगी, जैसे कि यहाँ पे दो हाइट्स होंगी, एक तो ये इसकी नॉर्मल हाइट है यानी कि ये कितना ऊंचा है, ये इसकी हाइट हो गई यानी कि ऊंचाई हो गई, ठीक है। एक आप देखेंगे कि इसकी तिरछी हाइट है, यानी कि तिरछी हाइट जा रही है ये यहाँ पर, ये थोड़ा अलग है, इसे बोलते हैं हम तिरक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट, जिसे हम एल से दर्शाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्लांट हाइट के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको जाना जाता है तिरक ऊंचाई के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, कोन की बात कर ली, ठीक है। फॉर्मूला जो इसका है बुक में भी दिया हुआ है, आप बुक में से देख लीजिएगा, वो होता है पाई आर एल, सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। क्यूब की हम बात करें, क्यूब एक ऐसा सॉलिड फिगर होती है यानी कि ठोस होता है, जो कि स्क्वायर के मिलने से बनता है, यानी कि इसकी सारी भुजाएँ बराबर होती हैं, इस टाइप की शेप होती है। मिठाई का डब्बा ले लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, लंच बॉक्स ले लीजिए, किसी भी टाइप के ऐसे जो डब्बे होते हैं तो आपने देखा होगा वो क्यूब शेप के होते हैं, तो इसकी जो भुजा होती है वो ए होती है, यानी कि हर जगह से ए होती है और सारी भुजाएं क्या होती हैं इसकी, बराबर आपको देखने को मिलेंगी। अगला आ गया स्फेयर। स्फेयर जो होता है, स्फेयर और सर्कल में फ़र्क होता है। देखिए, स्फेयर का मतलब होता है हिंदी में गोला, यानी कि वो सॉलिड फिगर होती है, सॉलिड फिगर होती है। वहीं हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, यानी कि वो सिर्फ एक शेप होती है, यानी कि अगर हमने कॉपी पे बनाई तो ये शेप बन गई। वहीं स्फेयर जो होती है वो आपको चारों तरफ से गोल ही दिखेगी, जैसे कि इसका एग्जांपल है बॉल,
तो बॉल जो होती है उस कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बॉल को सर्कल मानने लग जाते हैं। बॉल याद रखिए सर्कल नहीं होती है, बॉल स्फेयर होती है यानी कि गोलाकार होती है। तो आप इसको देखेंगे यानी कि चारों तरफ से क्या है, गोल है, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है इस तरीके का, यानी कि आधी कटी हुई सेब या आधी कटी हुई बॉल, तो ये हेमिस्फेयर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हेमिस्फेयर और स्फेयर में हमें एच की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जो इसका एच होता है ना, यानी कि जो इसकी ऊंचाई होती है, हाइट जो होती है इसकी, वही क्या होती है, इसका आर होता है। आप देखेंगे एक सर्कल में या फिर एक स्फेयर में हम जितने चाहे मर्जी उतने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, और वो सारे के सारे रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आपको यही ध्यान में रखना है, ये जो है ये रेडियस हो गया, ये जो है ये भी रेडियस हो गया, और ये जो है ये भी रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गई इसकी, ठीक है। तो अगर ये पूरे की बात करूं मैं, तो ये पूरा क्या हो गया, डी यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हेमिस्फेयर की बात हमने कर ली है, क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं, आपस में कह सकते हैं आप लोग इसको कि ये दोनों भाई बहन हैं। कैसे हैं देखिए ज़रा, क्यूबॉइड हम बनाते हैं वो इस तरीके का बनाते हैं, फ़र्क सिर्फ एक ही होता है इसमें, बेसिकली दो फर्क होते हैं, क्या कि क्यूबॉइड जो होता है यानी कि जो घनाभ होता है, इसको हिंदी में घनाभ के नाम से जानते हैं, जो घनाभ होता है, और इसको हम घन के नाम से जानते हैं। तो जो घनाभ होता है दोस्तों, वो बना होता है रेक्टेंगल के मिलने से, यानी कि आयतों के मिलने से, आयत के मिलने से, रेक्टेंगल के मिलने से बना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हों, तो इसकी कैसी भुजाएं होती हैं, एल होती है यानी कि लंबाई चौड़ाई, और कुछ आप देखेंगे डब्बे की कुछ ऊंचाई भी होती है, तो इसमें ऊंचाई भी इसमें शामिल हो जाती है। तो ये तीन डायमेंशंस होते हैं इसके, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो ये डब्बा बन गया आपका मिठाई का डब्बा जैसे कि होता है, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा क्यूब और क्यूबॉइड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको करना क्या है। बेसिकली एक्सरसाइज फर्स्ट में जॉइनिंग ऑफ फिगर्स है, यानी कि जो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हैं फॉर्मूले वगैरह, तो ये जॉइनिंग ऑफ फिगर्स है, यानी कि आपको फिगर्स को क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन करना है बेसिकली। तो आपको हम बताएंगे अभी कि किस तरीके से आपको फिगर्स को ज्वाइन करना है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम आपको बता देते हैं। इसमें अधिकतर आपको मिलेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपको एक यहाँ पर सिलेंडर गिवन है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो बोल दे क्वेश्चन में कि आपको एक सिलेंडर गिवन है, तो हम सिलेंडर को बना लेंगे, और फिर वो बोलेगा क्वेश्चन में कि सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर एक कोन बनाया गया है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब तक जो आप एरिया निकालते आए हैं दोस्तों, वो आप कैसा एरिया निकालते आए हैं, वो आप सिंगल फिगर का एरिया निकालते आए हैं, लेकिन इसमें जॉइनिंग ऑफ फिगर्स है, यानी कि आपको इस पूरी फिगर का, मान लीजिए कहता है कि ये कोई रॉकेट है या कोई टॉय है, खिलौना है, तो इसमें आपको एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे दो फिगर्स को ज्वाइन किया गया है, यानी कि अगर ये एरिया ऑफ टॉय है, यानी कि किसी खिलौने का एरिया है, किसी खिलौने का क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोन, यानी कि सबसे पहले ऊपर क्या दिया गया है आपको, एरिया ऑफ कोन दिया गया है यानी कि कोन, और उसमें आपको जोड़ देना है जो नीचे दिया गया है। नीचे क्या दिया गया है आपको, एरिया ऑफ, जी हाँ, सिलेंडर। ये आपको एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों को प्लस कर देना है, तो एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएं। कई जो बच्चे क्या करते हैं, एरिया ऑफ कोन ऊपर से अलग निकालेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर नीचे से अलग निकालेंगे, फिर उसको बाद में ऐड करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, टाइम कंज्यूमिंग है। मान के चलिए आप हमारे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपका काफ़ी समय बचेगा और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो एरिया ऑफ कोन सबसे पहले देखिए, ट्रिक हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इजी ट्रिक बता रहे हैं, सो दैट आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, जो कैलकुलेशन में आप फंस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका समय जो है वो बच जाएगा। दूसरी बात,
आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन ठीक होने के। अधिकतर जो आपके मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन हैं, बच्चों को परेशानी आती है कि उनके आंसर जो हैं वो ठीक नहीं आते। यकीन मानिए, आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको 15 मिनट लगते हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चंस को करने में, और आपके आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। तो चलिए, एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हमने लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर लगा देंगे हम यहाँ पे, यानी कि 2πRh, ये हमने वैल्यू यहाँ पे फिट कर दी है। अब आप देखेंगे एक चीज़ कि इसमें हम कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए, सॉल्व नहीं करना है अभी हमें, सॉल्व करने से बचना है, यानी कि कैलकुलेशन करने से हमें बचना है एग्ज़ाम में, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा समय ले जाती है, हमारा टाइम ले जाती है। तो टाइम नहीं ज़्यादा लगाना हमें क्वेश्चन में, और कम समय में हमें सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। मैक्सिमम 2 आवर्स में हमारा पूरा पेपर हो जाना चाहिए, 15 मिनट हमें रिवीजन के निकालने चाहिए, 15 मिनट हमें शीट्स वगैरह टाई करने के निकालने चाहिए, तो भी हमारे पास हाफ एन आवर एक्स्ट्रा बचना चाहिए। और यकीन मान लीजिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, 2 घंटे बहुत हैं आपका मैथ्स का पेपर करने के लिए। तो चलिए करते हैं अब आगे, पाई आर एल, और ये देखिए ट्रिक देखिए, सबसे पहले पाई दोनों तरफ है, मैंने इस पाई और इस पाई को दोनों को कॉमन निकाल लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आर जो है, ये यहाँ पे भी आर है, तो आर को बाहर कॉमन निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, आर जो है इसलिए कॉमन आया क्योंकि यहाँ पे फिगर जो थी वो उनका जो बेस था, यानी कि दोनों का जो बेस था वो ये सर्कल जो था वो कॉमन था, यानी कि जो ये गोल शेप है ये दोनों की क्या है, कॉमन है, यानी कि जितना आर कोन का होगा उतना ही आर नीचे सिलेंडर का होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आर कॉमन आ पाया। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप आर बाहर कॉमन नहीं निकाल सकते जिसमें आर जो हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी कॉमन बाहर आ पाए। अच्छा देखिए, एल तो कॉमन आ नहीं पाएगा क्योंकि L का यहाँ भी होना ज़रूरी है, यहाँ से H बाहर कॉमन नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H नहीं है, तो अंदर रह जाएंगे यहाँ पर आपकी वैल्यू L प्लस 2H। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया, अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 22/7, मान लीजिए R आपको दिया हुआ था 7, तो आपने R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 7, L मान लीजिए आपको दिया गया था 3 की आपने वैल्यू पुट कर दी, 2H की वैल्यू आपको दी गई थी 5, तो आपने वैल्यू पुट कर दी 7, से आप देखेंगे 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 2 10, 10 और 3 कितना होता है 13, तो 13 आ गया, और आप 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वट एवर यहाँ पे आपकी फिगर आ जाएगी, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब भी आप एरिया निकालेंगे तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर की पावर 2 में आता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एरिया हमेशा सेंटीमीटर की पावर 2 में आएगा, अगर वॉल्यूम होगा तो वो सेंटीमीटर की पावर 3 में आएगा। तो चलिए, ये तो बात थी किसकी, ज्वाइनिंग ऑफ फिगर्स की, 13.1 की। 13.1 सिर्फ इसी पे बेस्ड है, आपको सिर्फ यही टेक्नोलॉजी लगानी है, यही टेक्निक लगानी है, और आपको निकाल लेना है अपना आंसर। कोई भी परेशानी आए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम बढ़ते हैं अब 13.2 की तरफ। तो चलिए 13.2 की तरफ बढ़ते हैं। 13.2 जो है वो भी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि वो बात करता है वॉल्यूम के बारे में, यानी कि जी हाँ, वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम हिंदी में इसे बोला जाता है आयतन, तो आयतन निकालेंगे हम। सबसे पहले समझ लेते हैं आयतन होता क्या है। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, अब अगर हम कहें कि इसमें कितना गैस हम भर सकते हैं, यानी कि कितना गैस आ सकता है, ये बात नहीं बोली जा रही कि ये कितना सरफेस कवर कर रहा है, या कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया कवर कर रहा है, ये नहीं बोला जा रहा। आपसे क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर कितनी गैस आ सकती है, यानी कि अगर इसके अंदर गैस डाली जाएगी तो कितनी ये फुल होगा, कितनी गैस इसमें समाई जाएगी, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है इसकी कैपेसिटी, यानी कि धारिता के बारे में पूछा जा रहा है, तो कैपेसिटी इसकी बोली जा रही है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी कोई भी सामग्री आएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि इसके अंदर कोई चीज़ कितनी आएगी, तो मान लीजिए वो आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, निकालने को बोल रहा है, आयतन निकालने को बोल रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए आयतन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वो आपको लगाने हैं।
अब यहाँ पर भी ज्वाइनिंग ऑफ फिगर्स है। मान लीजिए आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर दिया गया है, और आपसे पूछा गया है, और नीचे जोड़ा गया है एक अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे आपको थ्री फिगर्स दे दी उसने क्वेश्चन में, पहली, दूसरी और तीसरी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी बुक में आपके पास कि एक कोन है, उस कोन के नीचे आपको दिया गया है सिलेंडर, और सिलेंडर के नीचे जोड़ा गया है एक हेमिस्फेयर। तो ये आपकी कुछ इस तरीके की रॉकेट टाइप फिगर बन गई। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सेम ट्रिक अपनानी है आपको, सेम ट्रिक अपनानी है, और सेम ट्रिक अपना के आपको वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो देखते हैं आप कैसे निकालेंगे इसका। देखिए वॉल्यूम आपको निकालना है इस फिगर का, यानी कि आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसमें जोड़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और एंड में, अंत में जोड़ेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये पूरा आपका वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे टॉय का। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 πr³। तो ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब फिर से आपको वही करना है, यहाँ पर कॉमन निकालना है। तो देखिए कॉमन निकालेंगे यानी कि तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी, तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी वही बाहर आ सकती है। तो पाए मुझे तीनों में दिखाई दे रहा है, तो पाए को तीनों में कॉमन ले सकते हैं हम। आर यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 3 बार है, तो कॉमन क्या हुआ? 2 बार। यानी कि यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो तीन तीन का मतलब क्या हो गया, आर की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं आर की पावर 2 × r, है ना। तो यहाँ पर भी 2 आया हुआ है, यहाँ पर तो 2 है ही और यहाँ पर भी 2 है, तो हम आर की पावर 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा एच यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो एच बाहर कॉमन नहीं आ सकता। तो हम देखेंगे यहाँ पे बचेगा 1/3, यहाँ पर 1/3 बच गया, पाई बाहर कॉमन आ गया था, आर की पावर 2 भी बाहर कॉमन था। अब यहाँ पे केवल रह गया एच, प्लस यहाँ पर भी एच प्लस, और यहाँ पर वैल्यू जो रह गई वो यहाँ पे आएगी 2/3 और केवल सिंगल आर। तो ये आपकी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपकी यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं, आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे उस चीज़ का कि दोनों एच अलग अलग हैं, यानी कि आप एक को तो कैपिटल एच लेकर चलेंगे और एक को आप केवल सिंगल एच लेकर चलेंगे। यानी कि इसका एच अलग होगा, इसकी जो ऊंचाई होगी वो अलग होगी, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो अलग होगी, यानी कि दोनों की ऊंचाई अलग अलग होगी, कोन की ऊंचाई अलग होगी और इसकी सिलेंडर की ऊंचाई अलग होगी। कई क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि बाय चांस इन दोनों की एच जो है वो सेम हो, तो आपको देखना है। मान लीजिए अगर ऐसा हो कि एच इसका 4 सेंटीमीटर हो और इसका भी एच 4 सेंटीमीटर हो, तो हमें वैल्यू वहाँ पे नोट करनी है कि क्या यहाँ पे इसने जो वैल्यूज़ हमें दी हैं वो सेम है या नहीं, तो बाहर कॉमन आ सकता है, अदरवाइज कॉमन नहीं आ सकता, आपको अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले को लगाइए, और फॉर्मूले को लगा के जैसा भी हो कैलकुलेशन करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी 13.2। 13.2 सिर्फ इसी पे बेस्ड है, और आपको कुछ नहीं करना है, इजीली आपको क्वेश्चंस करने हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ लीजिए। चलिए अगली जो एक्सरसाइज है आपकी वो है 13.3, तो इसका भी बेस डिस्कस कर लेते हैं। इसका तो बेस बहुत ही आसान है, बहुत ही बहुत आसान ये एक्सरसाइजेस है। देखिए मान लीजिए आपके पास बचपन में जैसे कि क्ले से खेला करते थे, कोई भी फिगर बनाते थे। तो मान लीजिए मैंने क्ले से कोई भी फिगर बनाई, ये मैंने सिलेंडर बनाया, और फिर वापस मैंने इस क्ले को वापस से मोल्ड करा और इसको वापस से मैंने किसी दूसरी शेप में ढाल दिया। मान लीजिए मैंने इसको कोन बना दिया, तो इस
सेम मिट्टी से, सेम क्ले से हमने दो फिगर्स बनाई, ना हमने उस क्ले को ज़्यादा किया यानी कि उसमें कोई और एक्स्ट्रा क्ले जोड़ी, ना ही हमने उस क्ले में से थोड़ी क्ले बाहर निकाली, यानी कि जो क्ले इसमें यूज़ हुई थी इसको बनाने में, सिलेंडर को बनाने में, वही क्ले कोन को बनाने में यूज़ हुई। तो अब आप बताइए कि इसका क्या बराबर होगा, इसका एरिया बराबर होगा या फिर इसका वॉल्यूम बराबर होगा? दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, वॉल्यूम बराबर होगा या एरिया बराबर होगा। आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का जो आंसर आता है वो आता है हमेशा सेंटीमीटर की पावर 3 में या फिर मीटर की पावर 3 में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे इसका एरिया इक्वल होगा या फिर इसका वॉल्यूम इक्वल होगा दोनों का। बताइए, जो सोच रहे हैं कि इसका एरिया इक्वल होगा वो लोग गलत हैं, इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम इक्वल क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने बात की कि किसी के अंदर कितनी चीज़ मौजूद है, तो यानी कि बात हो रही है इसकी कैपेसिटी की, यानी कि इसके अंदर जितनी हमने मिट्टी का यूज़ किया गया था उतनी ही मिट्टी का यूज़ हमने इसको बनाने में किया है। अगर आप बोलेंगे एरिया, दोस्तों इसका एरिया तो इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ना, इसकी यहाँ पे जो फिगर है, इसकी जो शेप है वो कुछ और एरिया लेगी। अगर मैं इसको टेबल पे रख दूँ ये कुछ और एरिया घेरेगी, और अगर मैं इसको टेबल पे रखूँ तो ये कुछ और एरिया लेगी, यानी कि एरिया तो किसी भी सूरत में सेम नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं फिगर दोनों की सेम बना दूं तब तो एरिया दोनों का सेम होगा? जी नहीं, तब भी दोनों का एरिया पॉसिबल नहीं है कि सेम हो जाए। क्यों? हो सकता है कि नीचे वाला पोर्शन सेम ना हो, ऊपर वाला पोर्शन सेम ना हो, तो ये भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों का क्या सेम होगा? वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि दोनों में जो मिट्टी यूज़ की गई है वो सेम मिट्टी यूज़ की गई है। तो एनसीईआरटी में आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं 13.3 में, जहाँ पे वो बोलता है कि लोहे को पिघलाकर सेम लोहे से कोई दूसरी शेप की फिगर बनाई गई है, तो इसी क्वेश्चन को आप सोल्व करना है। और आपको पूछता है कि इसका आपको एरिया दिया हुआ है, इसकी आपको पूरे डायमीटर सॉरी इसकी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। मान लीजिए इसका R और H गिवन है आपको, और पूछता है आपको इसका R निकालना है, तो इसमें ट्रिक आप क्या अपनाएंगे? इसमें आपको ट्रिक जो अपनानी है वो ध्यान में रख लीजिए आप, कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी कि वॉल्यूम आपको फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको बराबर रख देना है किसके? वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो ये ट्रिक आपको लगानी है इस एक्सरसाइज में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है कि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, यहाँ पर ट्रिक क्या है कि आपका आंसर जो है वो जल्दी आए और बिल्कुल करेक्ट आए। तो आप देखिए, पाई दोनों तरफ सेम है, कॉमन है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कैंसिल आउट कैसे होगा, ये कट कैसे गए, कई बच्चों को इसमें परेशानी आती है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा आर सेम नहीं हो सकते, एच भी सेम नहीं हो सकते, तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पाई की वैल्यू कैसे कट गया यहाँ पे? क्योंकि पाई जो था यहाँ पे प्रोडक्ट में था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में था, जब वहाँ पर जाएगा दूसरी साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच गई r^2 h, और यहाँ पे वैल्यू बच गई, यहाँ पे हम डिफरेंट दिखाने के लिए कैपिटल R और H का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वो आप दूसरी निकाल लेंगे। हम यहाँ पर कोई भी फेक वैल्यू पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 7, इस R की वैल्यू हमने पुट कर दी है 7, यानी कि 7^2, और इस H की वैल्यू हम पुट करते हैं 3। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें R की वैल्यू जो है वो गिवन है, लेट से 2 वैल्यू गिवन है, तो 2^2, और h की वैल्यू, इसकी h निकालना है, यानी कि बोला गया कि कोन का h आप निकालिए, निकाल के बताइए कि कितनी वैल्यू आती है इसकी। तो देखिए अब कैसे करेंगे, h है, h के प्रोडक्ट में ये सारी वैल्यूज़ हैं, अब उधर जाएंगी तो ये डिवाइड हो जाएंगी 7 से, तो इस तरीके से हमें करना है। अब 3 यहाँ पे नीचे था तो यहाँ पे ऊपर लगा देंगे इसको, और दोनों 2 को नीचे, 2^2 थी तो हमने दो बार लिख लिया इसको, ऐसे यहाँ पे 7^2 थी तो हमने इसको भी दो बार लिखना पड़ेगा, और पावर को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एच की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और ये सिर्फ आएगी वैल्यू आपके सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि जो आपकी डायमेंशंस होते हैं जैसे कि आर हो गया, एच हो गया, कोई भी साइड हो गई, ए की वैल्यू हो गई या फिर कोई भी साइड हो गई, तो वो आपकी सिर्फ सेंटीमीटर में आती है, उसमें पावर नहीं लगती है, ठीक है ना। और एरिया अभी हमने आपको बताया, एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर की पावर 2 में या फिर मीटर की पावर 2 में होता है, वॉल्यूम जो होता है आपका वो सेंटीमीटर की पावर 2 में और मीटर की पावर 2 में होता है। अच्छा, एक बात का आप ध्यान देंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा बोल देता है, आर की जो वैल्यू दे देता है वो तो मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में दे देता है, और एच की वैल्यू आपको दे देता है मान लीजिए मीटर में दे देता है, तो आपका फ़र्ज बनता है आप कोई एक इसको किसी एक मेज़रमेंट में आप अपने क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप आर की वैल्यू जो लगा रहे हैं वो सेंटीमीटर की में लगा रहे हैं फॉर्मूले में, और एच की जो वैल्यू लगा रहे हैं वो मीटर में लगा रहे हैं। आप किसी ना किसी वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, आप इसको चेंज कर लेंगे, यानी कि या तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, नीचे 100 लगाकर आप इसको मीटर में बदल दीजिए, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस शर्त ये है ये जो यूनिट होनी चाहिए ये दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी आपका जो फॉर्मूला है वो मीटर की पावर 3 या फिर सेंटीमीटर की पावर 3 इस तरीके से निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी 13.3, इसी बेस्ड पर है आपकी 13.3। चलिए अब बात कर लेते हैं 13.4 की, जो कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत देती है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका आता है और काफ़ी हैवी मार्क्स का आता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं 13.4 को। 13.4 जो है आपकी, वो बेसिकली आपको बताती है फ्रस्टम के बारे में, यानी कि बकेट, बाल्टी के बारे में, बाल्टी का एरिया। यहाँ पे दो चीज़ों को कंबाइन किया गया है, क्या, एक तो कोन और एक सिलेंडर, यानी कि आप दो फिगर्स को यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें, कि कोन की शेप है यानी कि यहाँ पर स्लांट हाइट भी मौजूद है और यहाँ पे एक हाइट भी मौजूद है एक ही फिगर में, और यहाँ पे नीचे से बिल्कुल कोने जैसा भी नहीं हो रहा है, कोन की तरह यहाँ पे सिलेंडर की तरह ही दो यहाँ पे सर्कल की शेप आपको नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, यहाँ का जो आर होगा वो कैपिटल होगा, यहाँ का जो आर होगा वो स्मॉल आर होगा, यानी कि दोनों ही वैल्यूज़ अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का आर है और यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर का आर है। L की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर है, और H की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको दी गई है, और आपको बोला गया है यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, एरिया का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, पाए आर प्लस आर, यानी कि दोनों को, दोनों आर लेने हैं यहाँ पे हमें, क्योंकि दो आर हैं और यहाँ पे एल, कुछ कुछ कोण जैसा इसका एरिया है, बस फर्क क्या है कोन में और इसमें, कि यहाँ पे आर जो है वो दोनों अलग हैं। अच्छा, इसकी वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम कैसे आएगा इसका, वॉल्यूम आएगा इसका 1/3 पाए एच। अब देखिए यहाँ पे आर, क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो दोनों को ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि आर वन का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर और प्लस आर वन इंटू आर, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे और आंसर निकालना है। तो डायरेक्ट है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे बच्चे इसका ये जो फिगर है इसी को देखकर घबरा जाते हैं और उनको पता नहीं लगता है कि आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक्चुअल में फ़र्क क्या है और इसका एल क्या है और एच क्या है, तो इसी की वजह से वो क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो यकीन मानिए सबसे ईजिएस्ट एक्सरसाइजेज है ये, सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने को कहेगा वो एग्ज़ाम में, इसके साथ और कोई एप्लीकेशन आपको ऐसी हार्ड नहीं देगा जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको एक्सरसाइज में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर बता सकते हैं, बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, आप फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं क्वेश्चन की, हम आपकी पूरी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सरसाइजेस की भी हम आपको, आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी भी आपके नोट्स चाहते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं या फिर सैम्पल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाइए, जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है www.examhelplogger.com, इस वेबसाइट पर जाकर ये सारे आप काम कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको आप तक सारी जो वीडियोस हैं आप तक बिना रुके ऐसे ही पहुंचती रहे और आपको कोई परेशानी ना हो किसी भी तरीके की वीडियोस में। और साथ में आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए, सो दैट आपके साथ साथ और आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ, और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी आप व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए, आप चलाते तो हैं ही व्हाट्सएप और फेसबुक, तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि हम आपके लिए बेसिकली कौन सा चैप्टर लेकर आएँ सबसे पहले, सो दैट आपको आसानी हो। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर बताइए कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं सबसे पहले हम आपके लिए कवर कर लाएं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं तो हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे जितनी आपकी मदद कर सकें। तो एक्सरसाइज बताइए, चैप्टर बताइए, क्वेश्चन बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ढेर सारे। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।